नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबर। देश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या रविवार को 3 करोड़ के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा रिकवरी के मामले में भारत अब दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। ये तीनों देश कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ब्राजील में इस समय सबसे ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। शनिवार को यहां 48,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बता दें भारत में संख्या 41,000 रही। अमेरिका में काफी हद तक संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा चुका है। शनिवार को यहाँ 14,000 नए मामले दर्ज किए गए। बता दें देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 6 जनवरी को 1 करोड़ और 13 मई को 2 करोड़ के पार हुई थी। यहां सबसे ज्यादा केस 61 लाख केस महाराष्ट्र में मिले हैं। हालांकि रिकवरी में भी ये राज्य सबसे आगे है। यहां करीब 60 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बिहार की राजनीति को लेकर इन दिनों दिल्ली में हलचल काफी तेज है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भले ही बिहार न आए हो, लेकिन वो दिल्ली से ही हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा रविवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले। इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि रजक शनिवार को चिराग पासवान से भी मिले थे। काफी देर तक उनसे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत करने के साथ ही महागठबंधन में आने की पेशकश भी की थी। रजक कांग्रेसी नेत्री मीरा कुमारी और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से भी मिले थे। बता दें कि एलजेपी में 2 फाड़ होने के बाद से आरजेडी की नजर चिराग पासवान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि इस संबंध में फैसला चिराग पासवान को लेना है। आपको बता दें कि शनिवार को चिराग से मुलाकात से ठीक पहले शुक्रवार को श्याम रजक ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीरा कुमार से भी मुलाकात की थी। मौजूदा समय में इन मुलाकातों को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि हाल ही में नरेंद्र मोदी के समर्थन में हिंदी में किए गए उनके एक ट्वीट के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी में घर वापसी भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा की टीएमसी से नजदीकी और ज्यादा बढ़ गई है। टीएमसी में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि इस संबंध में बातचीत अंतिम चरण में है। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को संगठन स्तर पर बड़े फेरबदल किए हैं। संघ ने सर कार्यवाहक अरुण कुमार को बीजेपी से समन्वय का काम सौंपा है। इसके साथ ही अरुण कुमार को संघ के राजनीतिक संपर्क कार्य का भी जिम्मा सौंपा गया है। अरुण से पहले दोनों काम डॉक्टर कृष्ण गोपाल देखते थे, हालांकि अभी उन्हें हटाया नहीं गया है। आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में भी बड़ा बदलाव किया है। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रीय प्रचारक प्रदीप जोशी को संघ का अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाया गया है। बंगाल के प्रांत प्रचारक और जोनल प्रचारकों को भी बदला गया है। बता दें कि इसी साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी को यहां जिस जीत की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी थी। पश्चिम बंगाल में हार के बाद उपजे हालात बीजेपी के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहे हैं। इन हालातों को संभालने के लिए अब बीजेपी यहां कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि असंतुष्टों में बड़ी संख्या उनकी है जो चुनाव जीतने के बाद कुछ पाने की आस में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनकी मंशा पूरी होती नहीं दिख रही तो माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं। इसीलिए विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी असंतुष्टों और चुनाव से पहले शामिल होने वाले कुछ नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके साथ ही साथ व्यापक संगठनात्मक फेरबदल करने की भी पूरी संभावना है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रदेश बीजेपी अन्य दलों के नेताओं को शामिल करने के लिए एक निगरानी अवधि बनाने की तैयारी में है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के उपराष्ट्रवाद
से मुकाबले के लिए अपनी अखिल भारतीय नीति के साथ बंगाल को लेकर विशिष्ट राजनीतिक लाइन अपनाने पर विचार कर रही है। बीजेपी ने पार्टी के कुशल कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी ने दो तरफा दृष्टिकोण के साथ असंतोष पर लगाम लगाने का भी फैसला किया है। पिथौरागढ़ जिले में कल दौरे पर आए विद्यालय शिक्षा और जिला प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने वन विश्राम भवन में प्रेस वार्ता की। वार्ता की शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्यौहार हरेला की बधाई से करते हुए सभी से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े रहने की अपील की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गौरा देवी के नाम से प्रकृति के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि प्रकृति से मिलने वाले स्वास्थ्यवर्धक स्रोतों को संरक्षित किया जा सके। निश्चित ही आम आदमी चाहता है कि हमारा जीवन जैसा बीतना था गया बीत, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए। लोग गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए जाते हैं। हमने भी तय किया कि हमारे सिस्टम में एक से एक योग्य शिक्षक हैं जिनकी एकेडमिक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम की है। हमने तय किया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए कक्षा 6 से 100% इंग्लिश मीडियम हम बच्चों को पढ़ाएंगे और 190 स्कूलों को, लगभग कुछ कम है अभी, 8-10 कम होंगे, हमने इतने विद्यालयों को CBSE बोर्ड की मान्यता भी दिलवा दी है। इनमें जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले अध्यापकों की कमी है, 797 अध्यापकों की कमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के नेताओं और राजनीतिक दलों ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तराखंड देवभूमि में साफ पानी है, साफ हवा है, लेकिन इस देवभूमि में अजंता पिस रही है, लेकिन किसी को उत्तराखंड के विकास की कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से कई बातें भी किए। वहीं मौके पर प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने राजधानी देहरादून में जनता से वादा किया है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली मुहैया कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश वासियों को गारंटी दी है कि जो बिजली से संबंधित है, उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को प्रति परिवार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। आपको बता दें कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड की राजधानी में दौरे पर आए थे। आज आपके सामने गवर्नेंस के दो मॉडल हैं। आपको तय करना है कि आप कौन सा मॉडल चाहते हैं। एक मॉडल है इन दोनों पार्टियों का। इस मॉडल में सरकारें घाटे में चलती हैं, जम के भ्रष्टाचार होता है, स्कूल बर्बाद है, अस्पताल बर्बाद है, बिजली महंगी है और पावर कट लगते हैं। दूसरा मॉडल है नफे में बजट है, शानदार स्कूल बन रहे हैं, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, बिजली मुफ्त है और 24 घंटे बिजली है। आप तय कर लो आपको कौन सा मॉडल चाहिए। अगर हम बिजली मुफ्त कर रहे हैं, आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं अगले 5 साल के अंदर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे। धनौरी में पुरानी गंग नहर में एक दर्जन मगरमच्छ के बच्चे दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग और पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों को चिड़ियापुर भेज दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।